पे मैं स्नो देख रहा हूँ। मैंने पहले जिंदगी में कभी स्नो नहीं देखी। एक मेरा और एक मेरे बड़े भाई का एक और कमरा था वो फैमिली के लिए। इसके बाद हमारी स्पेशल डेस्टिनेशन है पंजाबी बाज़ार, जो कि सैक्रामेंटो में है। इंडियन और पाकिस्तानी ग्रोसरी और सामान हाउस से रिलेटेड काफ़ी सामान वहाँ मिल जाता है। वहाँ भी हम चेकआउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं AR व्लॉग्स, और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके। हम लोग अभी अपनी ट्रिप पे ही हैं, कंटिन्यू किया हुआ हमने ट्रिप, और मैं आज जा रहा हूँ सैक्रामेंटो पंजाबी बाज़ार, जिसका मैंने आपको अपने पिछले लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो हम लोग अंदर चलते हैं, इसके एंटर करते हैं। ये पीछे मेरे पंजाबी बाज़ार है, और यहाँ पे ये चारपाई भी पड़ी है पाकिस्तान वाली, ये वाली और ये वाली पीछे मेरे पड़ी है। तो अंदर चल के हम एंट्रेंस करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। पंजाबी बाज़ार का जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये एक पंजाबी बाज़ार एक स्टोर है, जो कि इंडियन और पाकिस्तानी और जितने भी एशियन कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए मतलब ये स्टोर बनाया गया है। जो पंजाबी लोग होते हैं मेरे जैसे और हमारी फैमिली जिन पंजाबी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, वो इस स्टोर से सामान बाय करते हैं। तो सैक्रामेंटो में ये स्टोर हम देखने गए थे कि यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ पर चारपाई जो होती है पाकिस्तान में जैसे, और तंदूर और इस तरह की चीज़ें, वो यहाँ पे स्पेशल हैं। तो हम यही चेकआउट कर रहे थे यहाँ पे। एक बेस्ट चीज़ जो हमें यहाँ से मिली, जो मेरे फादर भी एक्चुअली फाइंड करना चाह रहे थे, वो थी ये जो कई है, क्योंकि वो पीछे से एक्चुअली गांव के हैं मेरे फादर, उनको ज़्यादा पता है इसके बारे में कि कई कैसे चलाते हैं और क्या किस पर्पज़ के लिए काम आती है। कई बाय की है यहाँ से, जैसे ये पाकिस्तान में होती है, और ये पीढ़ी जो है मतलब घर में जो औरतें खाना जो बनाती हैं जिस पर बैठ के, तो वो ये चीज़ है। स्पेशली मेरी मदर जो हैं वो इस पे बैठ के कुक करती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में होती थीं जब तब भी इसी का यूज़ करती थीं। ये तंदूर है। मेरी मदर को ना बर्तन बहुत अच्छे लगे इस स्टोर के, तो हमने बर्तन भी यहाँ से बाय किए हैं। तवा और जिस पे पराठे पकाते हैं, आलू के और मूली के वटेवर पराठे जो आप खाते हैं, और उसके अलावा प्रेशर कुकर जो होता है, यानी पाकिस्तान में हम वो ज़्यादा यूज़ करते थे, तो वो यहाँ पे भी मिल जाता है, वो भी हमने चेकआउट किया था। और उसके अलावा जो कढ़ाई होती है जिसमें पकोड़े और चिप्स फ्राई करते हैं आप लोग खाने के लिए, तो वो भी हमने यहीं से ही बाय की थी। बहुत अच्छा अच्छा सामान पड़ा हुआ था। और एक इनका सेपरेट स्टोर है जो है साइट पे, जहाँ पे इंडिया से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं ये सामान, जिसमें चारपाइयाँ और जैसे कि पंजाबी घर में होता है कूंडे और डंडे से जो चीज़ें कूटते हैं मिर्च और मसाले, तो वो ये स्पेशल है यहाँ पे। कूंडे और डंडे बहुत अच्छे यहाँ पड़े हुए थे, जैसे पत्थर का जो कूंडा होता है और लकड़ी का डंडा, वो मेरे फादर ने वो भी एक फाइंड किया है यहाँ पर, वो भी हमने बाय किया है। और पंजाबी घरों का जितना देसी सामान होता है वो सारा इसी स्टोर से मिलता है। और पंजाबी बाज़ार वाला व्लॉग उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन रिलेटेड काफ़ी सारा सामान है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी हम जाएँगे यहाँ से डिनर करने एक और जगह पर, और उसका भी व्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आए हैं जो है क्या कहते हैं पंजाबी बाज़ार के बाद हम लोग पहुँचे हैं एक रेस्टोरेंट, कबाब एंड चटनी।
ये बफे है, पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन है यहाँ पे, और बफे मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर। कबाब एंड चटनी का खाना हमने खा लिया। इनका बफे सिस्टम जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, इनका बफे कैसा था, और हमें इनका बफे बहुत टेस्टी लगा। आई थिंक सैक्रामेंटो में ये हमारा थर्ड या फोर्थ रेस्टोरेंट है जिस पे हमने बफे खाया है। पाकिस्तानी बफे हमने पहले यहाँ अपने जहाँ जिस एरिया से हम यहाँ पर ट्रिप पर आए हैं वहाँ तो हमने नहीं खाया, यहीं खाया जिस ट्रिप पर हम करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला जो मेरा ट्रिप था जहाँ पर हम फिरने गए थे वो ट्रिप आपको मेरा अच्छा लगा होगा। इस ट्रिप को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा क्योंकि फिर एक तारीख तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने मेरे साथ इन्जॉय किया होगा क्योंकि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और अगर आपको मेरी ये ट्रिप वाली वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, और मैं एक और व्लॉग लेके आपके लिए आऊँगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।